पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं, ना तो इज्जत मिलती है और ना ही जीने का हक। ऐसे में या तो पाकिस्तानी हिंदू घर छोड़कर पाकिस्तान में शरणार्थी बनकर चले आते हैं या फिर खून का घूंट पीकर वहीं रहते हैं। हर पल उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिमों का तंज सुनना पड़ता है, धर्म और पूजा पाठ का माखौल उड़ाया जाता है। बार बार ये बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठी, इसके बावजूद पाकिस्तान हुक्मरान मौन साधे हुए हैं। सड़क से संसद तक बर्बरता के शिकार एक सांसद के दिल की टीस शब्द बनकर निकली तो मानो पाकिस्तानी असेंबली ने सन्नाटा सा छा दिया। पाकिस्तानी असेंबली में पाकिस्तानी हिंदू सांसद ने पाकिस्तान के पाप की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। लाती हुई हमारी बच्ची अगवा हुई है। एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। एक सांसद की तहार से हिल गई पाकिस्तान की असेंबली। अपने ही सांसद ने पाकिस्तानियों के पाप का काला चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के साथ बर्बरता के कथा सुनाने वाले सांसद पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता हैं। सड़क से लेकर संसद तक शब्दों से जख्मी किए जाने की टीस लंबे अरसे से दर्द दे रही थी। मौका मिला तो कराहते कौम का सच जुबा पर आ गया। दू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें ये हमारा हक है और हम करेंगे। इनको गालियां देनी होती है इंडिया को, गालियां दे देते हिंदुओं को, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बराबर के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा का खौफनाक सच बोलते रहे सांसद, हक से महरूम किए जाने का दर्दनाक दास्तां सुनाते रहे सांसद और चुपचाप सुनती रही पूरी असेंबली। जुल्म पाकिस्तानियों के जुल्म को सांसद ने सरेआम कर दिया। सुनिए जरा कैसे पाकिस्तान की जनता के नुमाइंदे तथा कथित महानुभाव जो लोगों का वोट लेकर उनके हक की आवाज उठाने असेंबली पहुंचते हैं, वो किस तरह हिंदुओं का अपमान करते हैं संसद के अंदर। एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। पाकिस्तान असेंबली की यह तस्वीर पिछले साल जून की है जो सोशल मीडिया पर घूम रही है। हालांकि इस घूमती हुई तस्वीर में पाकिस्तान की हैवानियत का एक एक वो सच बेनकाब हो गया जो अब तक पाकिस्तानी हिंदू चीख चीख कर बता रहे थे। सांसद ने उस व्यथा पर आधिकारिक मुहर लगा दी जो विस्थापित हिंदू बरसों से बता रहे थे। चंद रोज पहले की ही बात है जब राजस्थान में बैठे विस्थापित हिंदुओं ने ये बताया था। बहुत ज्यादा जुल्म होता है, इससे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। 8-9 साल हो गए हमारे साथ जो लाती हुई है, हमारी बच्ची अगवा हुई है। उन्होंने बोला अभी इस्लाम कबूल कर लिया, हमने नहीं जाते देते। बच्ची रो रही थी, बोला था हम आती है इधर, फिर भी नहीं दिया। अभी 8-9 साल हो गए, शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं भाई हमारे साथ ये जुल्म ना हो। मुसलमानों के साथ भी कहते हैं मुसलमानों को हमारा साथ दो, हम भी पाकिस्तानी हैं। 20 साल से ये नहीं देखा है कि दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है, रक्षाबंधन क्या होता है। ये हमने 20 साल में कभी भी अपने दिल से ना होली मनाई है ना ही दिवाली मनाई है। न इज्जत है न जीने का हक, जब जिसे मन होता है वही रौन देता है, जिसने जब चाहा तभी बर्बाद कर दी जिंदगी। पाकिस्तान में न सिर्फ आम हिंदुओं की जिंदगी चींटियों की तरह है बल्कि जिन्हें खास का दर्जा है वो भी दर्द से कराह रहे हैं। या पे जुमले कसेंगे या पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल पाकिस्तान में हिंदू होने की सजा कितनी बड़ी है इसे कई मर्तबा दोहराया गया है, कई दफा बताया गया है कि पड़ोसी मुल्क की आबो हवा में धार्मिक जहर इस कदर घुला हुआ है कि हिंदुओं को घुटन होने लगी है। पाकिस्तानी हिंदुओं के चेहरे से टपकती बेबसी उनकी हकीकत बयां करती है। या पे जुमले कसेंगे या पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म सितम की वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज 2% रह गई है, जबकि आजादी के वक्त उसी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसका गुनहगार है कौन, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। खौफ में जीने वाले पाकिस्तानी हिंदू बेघर हैं, बेवतन हैं, न सिर पर छत है, न खाने के लिए रोटी। अब असेंबली में भी दर्द सुनाई पड़ रहा है, लेकिन बेदर्द पाकिस्तान की
बेशर्म सरकार अब भी कान में रुई जालकर सो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।